क्योंकि ये जो बाइबल लिखी गई है ये चार प्रबंध में लिखी गई है। बोलो कितने प्रबंध में? चार प्रबंध में लिखी गई है। पहला प्रबंध, जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को खड़ा करके अपने लोगों को व्यवस्था दी। व्यवस्था का मतलब तक प्रबंध दिया। क्या दिया? प्रबंध दिया कि तुमने उस उन लोगों को एक प्रबंध दिया कि तुमने उसमें क्या क्या करना है। इसीलिए लोग उस समय अपने पाप बलि, दोष बलि, होम बलि, मेल बलि, अन बलि, अलग अलग बलियां देते थे। क्या देते थे? परमेश्वर की वेदी पर अलग अलग लोग बलियां देते थे। पर हमारे लिए लिखा फसे का मेमना बलिदान हुआ है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान से समझो। तो ये पहला प्रबंध है, जब आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को खड़ा करके अपने वचन दिए, एक प्रबंध दिया उस समय। पर सेकंड प्रबंध, जब यीशु मसीह आए। क्या आए? जब यीशु मसीह आए। अगर आप मत्ती 5 पढ़ो तो मत्ती 5 की 18 में लिखा, 17 में लिखा, ये ना समझो मैं व्यवस्था को, भविष्यताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। मैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। ये सेकंड प्रबंध था व्यवस्था का। जब यीशु मसीह ने कहा मैं उस व्यवस्था को लोप करने नहीं, खत्म करने नहीं, मैं पूरा करने आया। क्या करने आया हूं? ये सेकंड प्रबंध था जब यीशु मसीह अनुग्रह की बातें लेकर आए। कौन सा प्रबंध? ये सेकंड प्रबंध कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, खत्म करने नहीं, पूरा करने आया। पर कब ये व्यवस्था पूरी हुई? जब यीशु मसीह क्रूस पर उस पाप के लिए दिए गए। इसलिए जेशाया कहता, भविष्यवाणी करता तुम उसके मार कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। पत्रस कहता तुम चंगे हो गए हो। इसलिए जब यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, हे पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो, क्योंकि उस समय हो ही नहीं थी, क्योंकि उस समय यीशु मसीह का क्रूसीफाइव नहीं हुआ, यीशु मसीह क्रूस पर दिए नहीं गए। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अब यीशु मसीह क्रूस पर दिए गए तो सेकंड प्रबंध पूरा हुआ और तीसरा प्रबंध अनुग्रह का शुरू हो गया। तीसरा प्रबंध क्या हो गया? अनुग्रह का शुरू हो गया, कृपा हो गई। अब हम पापी नहीं है, हम धर्मी हैं, क्योंकि लिखा परमेश्वर पापियों की नहीं धर्मियों की सुनता है। पापियों को तो वो बचाने के लिए है। बोलो पापियों को तो वो बचाने के लिए है, पर सुनता किन की है? धर्मियों की। क्योंकि एक दिन हम सब पापी थे और किससे दूर थे? उस परमेश्वर से दूर थे। बोलो क्या थे? उस परमेश्वर से दूर थे। अगर आप रोम की पत्री इसकी 3:22 पढ़ो, यहां पे ऐसे लिखा कि अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले में कुछ भी बिन भेद नहीं, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं बगैर थे। बोलो क्या है? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में हम सेत मेत अब मुक्त धर्मी ठहराए जाते हैं। अब हमें धर्मी ठहरने के लिए कोई बलि नहीं देनी पड़ती। बोलो क्या? क्योंकि हमारे लिए फसे का मेमना क्या हो गया? बलि हो गया। आमीन। बोलो क्या हो गया है? अब तीसरा प्रबंध शुरू हो गया, जो परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित पॉल को खड़ा करके ये रोम की पत्री से लेकर तसलुकियों की ये जितनी पत्रियां हैं ये उद्धार की कलीसिया को दे दी। हम कौन सी कलीसिया हैं? उद्धार की कलीसिया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अपना ध्यान मेरी ओर लगा कर रखो, ऐसे करके मत सुनो। ऐसे करके सुनोगे नीचे मुंह फेस करके मुंह तो कुछ समझ नहीं। हम कौन सी कलीसिया हैं? उद्धार की कलीसिया, मतबल छुटकारा पाए हुए लोग। तो आपने समझना है। बोलो क्या है? फिर आपने समझना है।
क्यों यीशु मसीह ने एक 38 साल के रोगी को कहा, देख तू चंगा हो गया, अब दोबारा पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर फिर आए। हम किसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, अपने किस चीज का विश्वास करना है, अपने किस चीज का विश्वास करना, मैंने कहा किसके नाम का विश्वास करना है, किसके नाम का विश्वास करना है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसे बोलते हैं, जो लिखा कहता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, यह वही है लिखा जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा पहले से ही की गई कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु की सड़कें सीधी करो। बोलो क्या कहीं, क्यों फरीसी संदूकी 7 और 8 ये 9 में लिखा है, क्यों फरीसी संदूकी जो मूसा की दी व्यवस्था को मानने वाले थे, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में यीशु मसीह के बारे लिखा था, मूसा ने भी लिखा था, क्यों वो सुनकर मानने लगे, क्योंकि फरीसी संदूकियों को भी समझ आई कि जे जो यूहन्ना बोल रहा है मन फिराओ क्योंकि वो आने वाला है। बोलो क्या है, इसलिए लोग फरीसी और संदूकी जो मूसा की व्यवस्था को मानते थे, लिखा यूहन्ना के पास आके बपतिस्मा लेके उसके कहता हे सांप के बच्चों किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो, क्योंकि वो इन बातों को जानते थे, समझते थे, इसलिए वचन को पूरा कर रहे थे जो यूहन्ना बता रहा था। क्या बता रहा था, इसलिए वो वचन को पूरा कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर की व्यवस्था में ये लिखा है। इसलिए फरीसी संदूकी वो आकर क्या कर रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, हाँ यीशु आने वाला है। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, नेड़े है, पर अब उसका राज्य तुम्हारे बीच आ चुका है यीशु के नाम से, हालेलुया। मैंने कहा अब उसका राज्य आ चुका है, कितने लोगों को समझ आ रही है, अब तुम यूहन्ना का बपतिस्मा लेते हो कि यीशु मसीह के जी उठने का बपतिस्मा लेते हो, उसकी मृत्यु का किसका लेते हो, यीशु का लेते हो को यूहन्ना का लेते हो, किसके नाम का लेते हो, क्योंकि कौन हमारे पापों के लिए मरा। इसलिए उसने फरीसियों संदूकियों को कहा मेरे बाद आने वाला है जिसकी मैं जूती के बंद को खोलने के योग भी नहीं है, मैं तो तुम्हें खाली पानी से मन फिराओ का देता हूं, वो तुम्हें किससे देगा, आग और पवित्र आत्मा से, किससे देगा, ऐसे लिखा यहां पे है ना, ये 11 में लिखा मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज हम किसकी नाम से बपतिस्मा लेते हैं, यीशु के नाम से। बोलो किसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, यीशु के नाम का। तो यूहन्ना तो कहता मैं तो खाली मन फिराओ पापों के लिए देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है मैं उसकी जूती को उठाने के योग भी नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्या देगा, पवित्र आत्मा और आग से, आमीन। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए, बोलो क्या है, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। किस चीज का प्रबंध है, बोलो पवित्र आत्मा का प्रबंध है, क्योंकि आपने किसका बपतिस्मा लिया, यीशु का, पवित्र आत्मा का। क्योंकि जब आप यीशु के नाम का विश्वास करते हो, उसके नाम पर बपतिस्मा लेते हो, अफिसियों की 13 में लिखा तब आप पर जब आपने उद्धार के सुसमाचार का ये वचन सुना तो लिखा प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की मोर शाप आप पर लग चुकी। पर बहुत लोग हैं जो पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट नहीं कर पाते क्योंकि वो अच्छे से उस ज्ञान को उसको ना समझने के कारण वो प्रकट नहीं कर पाते।